इसके लिए हमें लेना है 4444 बोर्ड, सब ऊपर ब्लूटूथ पैनल, सब ऊपर लो पास सर्किट। तो सबसे पहले अगर दोस्तों आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मैं ऐसी नॉलेजिकल वीडियो आपके लिए बनाते रहता हूँ। तो आइए दोस्तों इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये लो पास फिल्टर सर्किट है जो सब ऊपर में लगाते हैं। तो ये मैंने ऑनलाइन परचेज़ किया है। देखिए दोस्तों, ये जो इस प्रकार से है, मैं इसके सारे कनेक्शन आपको अच्छी तरीके से समझा देता हूँ। यहाँ से हम 12 वोल्ट सप्लाई देंगे, यहाँ पे 5 वोल्ट तो लिखा है। देखिए दोस्तों, इस पर भी मैं एक आगे वीडियो बनाऊंगा कि 5 वोल्ट पर भी ऑपरेट होता है या नहीं। तो देखिए दोस्तों, सिंपल जो है हमें यहाँ पे जो है आउटपुट यहाँ पे लेना है, और यहाँ से जो है हमारा 12 वोल्ट इनपुट होगा और ग्राउंड ही हम कॉमन लेंगे। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ से जो है हमारा ऑडियो इनपुट सेक्शन है, यहाँ पे हम ऑडियो देंगे इनपुट। और देखिए दोस्तों, ग्राउंड जो है यहाँ से कॉमन है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, 100K का यहाँ पे वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा है, जो कि जो हमारा बेस होगा वो कंट्रोल होगा, इससे कम ज़्यादा होगा। अभी जो है हम देखिए दोस्तों, ये 4444 बोर्ड है, इसको हम कनेक्ट करने वाले हैं। तो इसका भी कनेक्शन काफ़ी इजी है, इस पर भी मैंने डिटेल में एक वीडियो बनाया है। अगर आपको कनेक्शन पता नहीं तो आप वो वीडियो देख सकते हैं, उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो सप्लाई वाला सेक्शन है यहाँ पे हम पॉजिटिव देंगे, और ग्राउंड वाला जो साइन है वहाँ पे हम नेगेटिव सप्लाई देंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से हम अभी ऑडियो आउटपुट के लिए दो वायर यहाँ पे कनेक्ट कर लेंगे इस तरीके से। एक ग्राउंड होगा, एक आउटपुट होगा। और सिंपली यहाँ से जो है ऑडियो इनपुट के लिए मैं यहाँ पे ब्लूटूथ पैनल अटैच करने वाला हूँ। तो इसके साथ में यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये जो है कनेक्टर इसके साथ में आया हुआ है। तो यहाँ से रेड वायर जो है ये FM का है, एंटीना वाला। और ये जो तीन वायर है ये हमारी ऑडियो आउटपुट के है। तो बीच वाला ग्राउंड वायर है और बाकी दो जो है लेफ्ट राइट है। तो हम सिंपली जो है ग्राउंड वाले सेक्शन पे, यानी कि सिंपल इस प्रकार से वायर लगा लेना है तीनों वायर। तो देखिए दोस्तों, इसके कनेक्शन अभी हो चुके हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, जो हमने 444 IC बोर्ड लिया है, यहाँ पे जो 12 वोल्ट का इनपुट सेक्शन है वहाँ पे हम इसको भी 12 वोल्ट सप्लाई देंगे इस तरीके से यहाँ पे। और जो है ये जो ऑडियो आउटपुट है, इसको हम जो 4444 IC बोर्ड का जो यहाँ पे पोटेंशियोमीटर लगा हुआ है, उसको हम यहाँ पे सिंपली इस प्रकार से कनेक्ट कर लेने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, कनेक्शन काफ़ी इजी है। और उसके बाद में जो है हम इसको ब्लूटूथ पैनल पर कनेक्ट कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने 12 वोल्ट सप्लाई इसको दे दिया है, लेकिन ऑडियो इनपुट करते वक्त देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने 3 वायर लगाया था, लेकिन आउटपुट में यहाँ से 2 वायर निकला है। यानी कि इस प्रकार से जो है हमें अभी सिर्फ एक ही IC यहाँ पे वर्क करेगी। तो सिंपली हमें पहले ग्राउंड वाले सेक्शन पर इस वायर लगाने लगा है, और जो ग्रीन वायर है ऑडियो आउटपुट का, यहाँ पर हम दोनों चैनल से किसी एक चैनल पर, यानी कि पोटेंशियोमीटर के दोनों में से किसी एक साइड पर हम लगा लेंगे, जिससे हमारी एक ही IC वर्क करेगी। तो आइए दोस्तों, अभी हम इसको बाकी वायर कनेक्शन लगा लेते हैं। तो इस प्रकार से हमने अभी ऑडियो का कनेक्टर लगाया है। अभी जो है यहाँ पे हम 5 वोल्ट इसको देने के लिए इसका कनेक्टर यहाँ पे लगा लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, इतना कनेक्शन हमारा भी लगभग हो चुका है। अभी हम क्या करेंगे, हमारी जो सिर्फ अभी पोटेंशियोमीटर की, देखिए दोस्तों, जिस साइड हमने लगा कनेक्शन किया है तो उसी साइड की IC हमारी वर्क करेगी, यानी कि अभी फ़िलहाल ये वाली IC वर्क करेगी। तो यहाँ पे हम सब ऊपर लगा लेंगे इस तरीके से, और यहाँ पे हम 12 वोल्ट अभी इसको सप्लाई देंगे, और इसका जो है प्रॉपर अच्छी तरीके से टेस्टिंग लेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने सप्लाई इसको दे चुका है। अभी अभी हम इसको सॉन्ग प्ले करेंगे। तो देखिए दोस्तों, अभी वर्क कर रहा है, लेकिन आवाज़ नहीं आ रही है, क्योंकि लो पास फिल्टर सर्किट में सिर्फ बेस इफेक्ट आता है। तो अभी हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ से जो यहाँ वेरिएबल जो रेजिस्टेंस दिया था, इससे हम इसका जो है बेस कंट्रोल करेंगे इस प्रकार से। जैसे हम इसको बढ़ाएंगे तो यहाँ पे जो है बेस इफेक्ट जो है यहाँ से बढ़ जाएगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो है इसका जो बेस है अच्छी तरह खासा बढ़ चुका है। ये देखिए दोस्तों, मैं एक बार आपको नज़दीक करके दिखाता हूँ। तो देखिए दोस्तों, कितना अच्छा वर्क कर रहा है। मैं एक बार सॉन्ग चेंज कर देता हूँ। ये देखिए दोस्तों,
काफ़ी अच्छा वर्क कर रहा है सर्किट ये। अभी हम फिर से इसको थोड़ा सा जो है इसका फुल कर देते हैं टोटल। तो देखिए दोस्तों काफ़ी अच्छे तरीके से ये सर्किट वर्क कर रहा है, स्पीकर भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस इसको दे रहा है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट कर ज़रूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूले। तो मिलते हैं किसी अगले नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।